नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, एकदम मस्त होंगे। और दोस्तों, आज के इस सफर में मैं आपको लेके जाने वाला हूं कानपुर। जी हाँ दोस्तों, जो आज का ब्लॉग है वो ट्रैवल ब्लॉग रहने वाला है। ट्रेन नंबर 04143 कानपुर के लिए जो ट्रेन जाती है पैसेंजर वाली, उससे चलने वाले हैं। 13 स्टेशन के साथ 103 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपन पहुँच जाएंगे कानपुर। तो काफ़ी मज़ा आएगा, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपको पैसेंजर ट्रेन का, तो देखिए पूरा ब्लॉग, काफ़ी मज़ा आएगा। तो आने वाले फिलहाल मैं अभी मोहदा में मौजूद हूँ। मोहदा का एक रेलवे स्टेशन है रगौल, तो यहाँ से चलने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और आज अपने साथ आशीष भाई है। आशीष भाई इधर आओ, हाय करो। आओ तो दोस्तों चलते, ट्रेन आने वाली है, मात्र कुछ समय रह गया है। वैसे यहाँ पे रगौल रेलवे स्टेशन पे आने के समय 7:52 का है, लेकिन ट्रेन लेट हो गई है आज। और पैसेंजर ट्रेन है तो रुक रुक के चलेगी, तो मज़ा भी आएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देख रहे हैं। ये कानपुर जाने के लिए तैयार है सब लोग, पैसेंजर कितने सारे हैं। रगौल का रेलवे स्टेशन कुछ ये नज़ारा है, और अपनी ट्रेन आने वाली है और देख सकते हैं आई गई है। और दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है रगौल रेलवे स्टेशन से, डिपार्चर हो चुका है अपनी ट्रेन का। फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बरुआ सुमेरपुर। ये हमीरपुर जिले के अंतर्गत कहलाता है। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट। और दोस्तों फाइनली डिपार्चर हो चुका है अपनी ट्रेन का बरुआ सुमेरपुर से। दोस्तों 27 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंची है यमुना बैंक। यहाँ पे मात्र अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, पल्ली साइड है। मैं इस साइड खड़ा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। देख लीजिए आप यहाँ पे कितने ज़्यादा पैसेंजर्स खड़े हुए हैं, कानपुर के लिए रवाना होंगे यहाँ से बैठ के। देखिए भाई, भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा पा रहा, नहीं तो मैं आपको बाहर जाके दिखाता, लेकिन कोई बात नहीं, अंदर ही बैठना पड़ रहा है। तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं बाहर जाऊँगा। और दोस्तों ये है वेद बालक, यमुना वेद माँ एक साथ में है। जगह 2 मिनट रुकती है भाई ट्रेन, है ना, इंडिविजुअल पटरियां हैं। और दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है हमीरपुर रोड, और ये उत्तर प्रदेश का एक विशेष जिला है हमीरपुर। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, और अपनी ट्रेन कम से कम 15 से 20 मिनट लेट चल रही है। और काफ़ी फेमस है हमीरपुर जिला है, हमारा भी जिला हमीरपुर ही लगता है। दोस्तों 54 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है डोमरू जंक्शन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ पर कोई पैसेंजर नहीं है जहाँ तक। और एक तरीके से ये देहाती एरिया का एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों देखिए, मतलब कि देहाती एरिया में अभी भी रेलवे स्टेशन की सुविधा नहीं है। और दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है घाटमपुर, यह भी एक शहर है हमीरपुर के बाद जो आता है। और यहां पर भी अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, और अपनी ट्रेन जैसे कि आप जानते हैं 15 से 20 मिनट डिले चल रही है। और भाई उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर इसमें सफ़र कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। और एक घाटमपुर रेलवे स्टेशन कुछ व्यू है, देखिए नज़ारा। और
यहाँ पे पैसेंजर्स खड़े हुए, यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा पैसेंजर्स हैं, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स बैठेंगे कानपुर के लिए। पानी भरा हुआ कितना शानदार मज़ेदार, नहाने वाला तालाब में पानी भरा हुआ है भाई। और एक आटमपुर शहर का कुछ नज़ारा देख लीजिए आप, यदि आप आटमपुर से हैं और वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ट्रेन का एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, मतलब कि नॉर्मल है, ज़्यादा मतलब बेहतरीन भी नहीं है, एवरेज। और दोस्तों ये लाइट हाउस है दशहरा का, और अपने ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पर। और दोस्तों भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है जिस कारण मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं मेरी कंडीशन को। तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए यदि ब्लॉग अच्छा लगेगा तो। और आपको मिलेंगे सीधे कानपुर सेंट्रल पे, मात्र 2 से 3 घंटे की जर्नी रहने वाली, कहीं कहीं ट्रेन लेट हो जाती है। नंबर 04143 कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस विशेष स्पेशल ट्रेन की जो हाईएस्ट स्पीड है वो 96 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और अगला स्टेशन अपना भीमसेन जंक्शन होने वाला है। और ट्रेन ज़्यादा लेट नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, 4 से 5 मिनट 10 से 15 मिनट लेट चलती है। तो मिलते हैं आपको भीमसेन जंक्शन पर, और हाईएस्ट स्पीड आप देख रहे हैं 100 मैक्सिमम 100 जाती है। ये तुम्हारा रोड चित्रा का झांसी वाला है, ये वाला रोड दोस्तों झांसी के लिए जाता है, ये देख रहे हैं ये बांदा है ना, बांदा झांसी। दोस्तों 89 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भीमसेन जंक्शन, और ये अपने आशीष भाई पहली बार सफर कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। पैसेंजर ट्रेन में पहली बार ट्रेवल कर रहा है, बोल रहा था एक्सप्रेस ट्रेन में भी कभी करेंगे तो मतलब जरूर करेंगे। और यहाँ पे इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, और इसके बाद एक स्टेशन और है गोविंदपुरी, उसके बाद कानपुर सेंट्रल है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये अपनी ट्रेन है, देखिए क्या है ना दोस्तों कि ये पैसेंजर ट्रेन है तो हर एक गांव के स्टॉप से होकर निकलती है, इसलिए थोड़ा डिले होता नहीं। इधर कोई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है तो मात्र 1 से 1.5 घंटे का रास्ता, लेकिन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस है, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। भीमसेन जंक्शन और साथियों आप ये वाला रोड देख रहे हैं, ये सीधे दिल्ली के लिए जाता है ये वाला रोड, और ये यहाँ से आते हुए मतलब मौदा साइड से होके आता है, और मणिकपुर साइड से होके ये वाला रोड जाता है कानपुर के लिए, और ये सीधा रोड जा रहा है दिल्ली के लिए, आनंद विहार यदि आपने सुना हो तो, गाजियाबाद होके मुंबई होते हुए निकलेगी, हाँ यहीं से। और अपन आ चुके हैं गोविंदपुरी जंक्शन पे, 99 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, और मात्र 1 स्टेशन दूर रह गए हैं कानपुर सेंट्रल पे। अब सीधे कानपुर सेंट्रल पे मिलेंगे आपको, वहीं पे वीडियो का एंड करेंगे। गोविंदपुरी प्लेटफॉर्म में, और दोस्तों ये है गोविंदपुरी जंक्शन, और यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकी हुई है, आई थिंक यहाँ पे क्रॉसिंग दोस्तों फाइनली क्रॉसिंग हो गई है, अपनी ट्रेन चलेगी अब कानपुर सेंट्रल के लिए। Thank you.
दोस्तों फाइनली 103 किलोमीटर की दूरी तय करके अपन पहुंच गए हैं कानपुर सेंट्रल, और यहीं पे अपनी जर्नी समाप्त होती है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी ट्रेन आई हुई है कानपुर सेंट्रल। देखिए आप, और दोस्तों फाइनली अपनी यात्रा कंप्लीट होते हुए और अपन कानपुर सेंट्रल पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी गाड़ी आई है, 3 पे आई है, और यहाँ पे पूरे लोग जितने भी बुंदेलखंड साइड के थे वो सब कानपुर उतर रहे हैं। देखो कितने ज़्यादा पैसेंजर्स हैं यहाँ पे उतरे हुए हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और आशीष भाई कैसा लगा? ठीक है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय हिंद।